बदलापूरच नाही, महाराष्ट्रच नाही, भारत पण नाही, तर पूर्ण जगामध्ये त्याचं आज नावलौकिक होत आहे, तर तुम्ही काय सांगाल? Un elefante se balanceaba sobre el territorio iraní. Gumo veía guerras y fui a llamar al elefante. हे जे तुम्ही सर्टिफिकेट बघताय, हे एका 6 वर्षाचं मुलाचं आहे. त्यांनी इंटरनॅशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड केलेलं आहे, त्याचं वय अवघं 6 वर्ष. आणि हे कशामध्ये भेटलंय हे आज आपण जाणून घेऊया. नमस्कार, बदलापूर व्हॉईसमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आज आपण आलो आहोत बदलापूरच्या मांजरली येथे. तर आयान गोगिया हे असं लहान मुलाचं नाव आहे त्या. आपण त्याच्याकडनं जाणून घेऊया की हे त्यांनी जे पराक्रम केलेलं आहे, जे बदलापूरचं नाव हे अख्ख्या भारतच नाही तर पूर्ण जगामध्ये पसरवलेलं आहे, तर आपण आयानला त्याच्याबद्दल विचारू की त्यांनी हे धाडस नेमकं कसं केलं. आयान, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ये जो आपने बुक लिखा है द एलिफंट वर्ल्ड, हाँ ये दोनों मेरी किताबें हैं. हाँ. ये जो बुक लिखा है, हाँ. वो आपने ये सोचा कहाँ से? हाँ, ये मैंने सोचा था. पहले तो मेरा ऐसा था कि मैं ऐसी एक बुक बाय करूं, तो मैंने देखा, लेकिन मुझे लगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो कहीं से मिल नहीं रही है एक किताब में. तो मैंने सोचा कि मैं सारी इंफॉर्मेशन उठा लेता हूँ. तो लॉकडाउन में मैंने सारी इंफॉर्मेशन उठा ली. लॉकडाउन से ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल से उठाना शुरू कर दिया. जैसे लास्ट ईयर में मैंने कंप्यूटर से उठाना शुरू कर दिया था, मतलब 5 ईयर्स की एज में. तो मैंने सारा अपनी बुक्स का कर दिया. जैसे जो मेरी सेकंड बुक है, सारी इमेजेस मैंने डाली हैं और सारा काम मैंने किया है. आधा काम जैसे मेरी बुक्स में, तो जैसे हेल्प करी है मेरे मदर एंड फादर ने. अच्छा, तो आपने सिर्फ एलिफेंट्स के ऊपर ही क्यों सोचा, टाइगर के बारे में क्यों नहीं? मैं अभी तो जैसे मेरा प्लान है कि मैं और एनिमल्स के ऊपर लिखूं किताब, लेकिन पहले मैंने सोचा, क्योंकि मेरा एलिफेंट मेरा फेवरेट एनिमल है. मेरे घर में एलिफेंट्स की बहुत सारी जैसे ड्राइंग्स, इधर उधर हर जगह एलिफेंट की ड्राइंग्स है, और बहुत सारे मैंने उनके टॉयज खरीद कर रखे. तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं एलिफेंट्स पर एक किताब ही लिख लेता हूँ. तो मैंने लिख ली. अच्छा, तो जो ये बुक लिखा है आपने, हाँ. तो उसके अंदर मतलब क्या क्या है? हाँ, तो एलिफेंट के बारे, हाँ, में. तो मेरी जो फर्स्ट सीरीज है उसमें डला हुआ है, इसमें कंटेंट्स में लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट्स के जो हैबिटेट हैं, एलिफेंट्स का हैबिटेट लिखा है, एलिफेंट्स की हिस्ट्री लिखी है, टाइप्स अभी कितनी बची हैं एलिफेंट्स की उनका भी लिखा है, 3-4 अभी कितनी भी हैं, और एलिफेंट का फूड क्या है, उनकी डेली रूटीन, एलिफेंट एज अ फ्रेंड, एलिफेंट्स के जो फैक्ट्स हैं, एलिफेंट की पोएम्स हैं, एलिफेंट के सॉन्ग्स हैं, स्पेनिश सॉन्ग है जो कि मैंने एलिफेंट्स के बारे में बहुत सुना और मैं सीख गया. अच्छा, तो आपको स्पेनिश भी आता है? हाँ, स्पेनिश का एक गाना आता है, एलिफेंट पर है वो. अच्छा, तो गा के दिखाओगे? एक दो से दो लाइन, ठीक है. Un elefante se balanceaba sobre el territorio iraní. Gumo veía guerras y fui a llamar al elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre el territorio iraní. Gumo veía guerras y fui a llamar al elefante. हे मला तर काही समजलेलं नाहीये, पण जे काय होते ते एकदम छान बोललाय तो. और फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है? मतलब अभी आपने तो इतना बुक लिख लिया है, और जो अमेजॉन वरती पण आहे ही बुक, त्याच्याबद्दल मतलब आप क्या सोच रहे फ्यूचर के बारे में? हाँ, यानी कि फ्यूचर में क्या क्या बनना है आपको? हाँ, मुझे एक आर्टिस्ट बनना है जिसमें मैं हर चीज का आर्ट कर पाऊँ, जैसे डिजाइनिंग का आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग और बाकी चीजों का आर्ट, एनिमेशन आर्ट, मूवी आर्ट, सारे आर्ट्स मैं सीखूं. तुम्ही इथे बघू शकता कि ह्या हे जे हत्तीचे फोटो आहेत हे त्यांनी स्वतः काढलेले आहेत. हत्तीचे जे किती टाइप्स आहेत, ते कोणत्या कोणत्या प्रकारचे आहेत, ते काय काय खातात, ह्याचं पूर्णपणे रिसर्च त्यांनी केलेलं आहे. आणि हे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आपण त्याच्या आईला विचारूया की ह्यांनी कसं काय एवढं अचीवमेंट केलं. अयान बहुत सारी रिसर्च करता रहता था और हम कभी नोटिस नहीं करते थे इसको. तो जब ये बात करता था तो कई बार तो हमने इसकी बात को सुना ही नहीं. हाँ, मतलब ऐसा किया कि बच्चा कर रहा है, चलो करने दो, और जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं.
लेकिन इसकी बातें थोड़ी डिफरेंट थी, तो फिर थोड़ा सा ये बार बार अलग अलग तरह के एलिफेंट्स के नाम बता रहा था जो कि कभी हमने सुने नहीं थे, प्री हिस्टोरिकल एलिफेंट्स। तो फिर उसके बारे में हमने सोचा कि अच्छा ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, और इस बच्चे को ऐसा क्रेज़ क्यों है इतना। तो जैसे जैसे हमने देखा, इसने हमें बताया कि 12 जो अगस्त है उस दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है और इस बार ऐसे इस डे पे आ रहा है। तो ये सारी हमने रिसर्च करी और उसके बाद ये जो प्री हिस्टोरिकल एलिफेंट्स के बारे में बताया, इसने जितनी भी चीज़ें हमें बताई तो सारी हमने रिसर्च की उसके बारे में। और हम दोनों पहले तो शॉक्ड रह गए कि ये छोटा सा बच्चा है और इतनी सारी चीज़ें जो कि हम अभी सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पीरियड में। तो इसने वह अपने नोटबुक्स पे पेपर्स पे लिख के रखी हुई थी। तो फिर इसके पापा ने मुझे बोला कि नहीं, ये तो सारी चीज़ें कुछ हमने रिसर्च की कि ये ठीक कह रहा है, क्रॉस चेक किया, कुछ इसके पापा ने बताई कि हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है। तो उसके बाद इसके पापा ने बोला कि ये जो है सारी बुक की फॉर्म में आ सकती है। तो वहाँ से थोड़ा सा बुक का आया कि नहीं अभी छोटा है। तो इसने एक्चुअल में क्या किया हुआ था, ये मेरी बुक थी जो 2019 में आई थी और उस पर ये अयान की फ़ोटो है। तो ये इस बुक को देखकर, मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा इंस्पायर हुआ इस बुक को देखकर। तो इसने ये सारी चीज़ें ना अपनी बुक के लिए पहले से लिख कर रखी हुई थी, जैसे बुक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंडेक्स में क्या होता है, प्रीफेस में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसने अपनी बुक के लिए रेडी करके रखी हुई थी। तो इस चीज़ से हमें भी थोड़ी वो हुई कि चलो बच्चा कुछ कर सकता है, बिकॉज उससे पहले तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि अभी छोटा है, अभी ऐसे क्या करेगा, क्या रिसर्च करेगा। तो फिर इसके पापा ने मुझे बोला कि ये सारी जो इसने रिसर्च करके रखी हुई है ये सब सही है। और वहाँ से ये जो आइडिया था इसके पापा का ये था कि ये बुक की फॉर्म में आ सकता है। अच्छा, म्हणजे जे काय आहे ते आयडिया तुमची होती आणि त्यानंतर मग तुम्ही हे दिलेलं आहे, तर तुम्हाला कसं वाटतं आज आयांनी एवढं मोठं अचीवमेंट घेतलेलं आहे, म्हणजे बदलापूरच नाही, महाराष्ट्रच नाही, भारत पण नाही, तर पूर्ण जगामध्ये त्याचं आज नावलौकिक होत आहे, तर तुम्ही काय सांगाल? बहुत अच्छा लगता है, इतने छोटे बच्चे ने मतलब की काफी बड़ा अचीवमेंट करा। लॉकडाउन के टाइम से इसका काफी मतलब की रिसर्च कर रहा था एलिफेंट्स के बारे में, जो हमें बाद में पता चला कि एकदम सही है। तो उसको हम लोग ने एक बुक में तब्दील करा और अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस छोटी सी उम्र में। तो अभी इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है आपने? ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, जिसमें इसका इंटरेस्ट होगा हम उसमें ही इसको जाने देंगे। अभी क्रिएटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा ये रिसर्च करता तो हमें लगता है क्रिएटिव फील्ड में किसी जाएगा। अपन बघितलं कि एवढा लहान मुलाने आज इंटरनॅशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड केलेलं आहे, तर त्याच्यासाठी बदलापूरकरांकडनं आणि माझ्या पूर्ण बदलापूर व्हॉईसच्या टीमकडनं मी त्याला पहिलं कॉंग्रॅच्युलेशन करतो आणि त्यांनी असेच शिखरावरती शिखर चढत जावे हीच मनापासून इच्छा करतो। कॅमेरा पर्सन आदित्यसोबत मी तेजस, बदलापूर व्हॉईस बदलापूर, धन्यवाद।